इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं सौभाग्य कोहिनूर, श्री संजय जैन, श्रीमती ममता जैन, ग्रेटर कैलाश दिल्ली, श्री विजेंद्र जैन, श्रीमती निर्मल जैन गुरुग्राम, श्री राजीव जैन, श्रीमती मीनाक्षी जैन सिविल लाइंस दिल्ली, श्री राजन जैन, श्रीमती मोनिका जैन जनकपुरी दिल्ली, श्री अनिल जैन, श्रीमती मधु जैन परिवार पोलो रोड दिल्ली, श्री राजीव जैन, श्रीमती संजुला जैन परिवार गुरुग्राम। लोगों ने वे दृष्टांत भी सुना होगा कि एक बहू अपनी सास को मिट्टी के बर्तन में भोजन कराया करती थी। प्रतिदिन की यह चर्या उसकी बन गई थी कि सासू को मिट्टी के बर्तन में भोजन कराना। जब वह बहू खुद सास बनी और उसकी भी बहू आ गई, जब बहू आ गई तो उसने देखा कि मेरी सासू अपनी सासू को मिट्टी के बर्तन में भोजन करा रही है। उसे अच्छा नहीं लगा। उसने कहा, उसने मन में सोचा कि कैसे मैं बदलूं यहाँ की परंपरा को। उसने क्या किया, जब उसकी सासू अपनी सासू को मिट्टी के बर्तन में भोजन कराती तो वे धीरे से वे बर्तन उठा करके रखने लगी, इकट्ठे करने लगी। एक दिन सासू ने देख लिया, पूछा, बहू ये बर्तन क्यों उठा करके रख रही है? बोले, माँ हमारे घर की परंपरा है कि जब कोई वृद्ध हो जाता है तो उसको मिट्टी के बर्तनों में भोजन कराया जाता है। बोले, कल को आप भी वृद्ध होंगी, उस समय बर्तन का पता नहीं, महंगाई का भी जमाना है, बर्तन मिले ना मिले, रोज़ रोज़ नए नए, तो मैं इसीलिए उठा उठा करके रख रही हूँ। कहना क्या है, बात संस्कार की है कि हमें जैसे संस्कार देते हैं हमें उसका, ये सोचिए कि हम जैसे कर्म करते हैं, हम अपने बड़ों के साथ जैसा व्यवहार करते हैं वैसा ही हमारे बच्चे हमारे साथ करते हैं। ध्यान रखना, गुरुदेव आचार्य श्री विद्याभूषण षण्मती सागर जी महाराज ने उनके अंदर परोपकार के भाव थे और परोपकार की भावना के साथ उन्होंने अभी सुबह नवीन भैया शादवा जैन गुरुकुल की बात भी कर रहे थे, आहार दान की बात भी कर रहे थे। वहां पर मैं आचार्य श्री सौभाग्य सागर महाराज जी से भी कहूंगी कि एक बार अतिशय क्षेत्र बड़ा गांव त्रिलोक तीर्थ में अवश्य दर्शन करने पधारें, क्योंकि अभी तक हमें यह सौभाग्य प्राप्त नहीं हुआ है सौभाग्य सागर महाराज जी के सत्संग का। तो एक बार जरूर, कम से कम एक बार नहीं, एक बार आएंगे तो फिर तो रोकना तो हमारा काम है, तो कम से कम पधारें। वहां पर आप देखेंगे कि वहां पर शादवा जैन एकेडमी स्कूल चलता है और उस स्कूल में सीबीएसई बोर्ड से 1200 बच्चे अध्ययन करते हैं इंग्लिश मीडियम से, और उसके साथ साथ 50 बच्चे जैन बच्चे गुरुकुल में रहते हैं। जो गरीब बच्चे हैं उनकी पढ़ाई का, उनके भोजन का, उनकी दवाई का, उनके रहने की सभी व्यवस्थाएं आप लोग के सहयोग से क्षेत्र पर होती हैं। और उसके साथ आपको बता दें 35 वृद्ध, क्योंकि बात संस्कार की है, 35 वृद्ध माता पिता और ऐसे ऐसे वृद्ध हैं
कि जिनकी मृत्यु हो जाती है तो उनके घर वाले अग्नि संस्कार करने के लिए भी नहीं आते हैं, उनको फोन करते हैं तो कहते हैं आप लोग स्वयं वहां पर अग्नि संस्कार करवा दो। ये है जैनों की बात, अजैन की नहीं, जैन परिवार है और सारे जैन है, ध्यान रखना। उसके साथ ही वहां पर गौशाला है जिसमें 75 गऊ हैं, गाय हैं। वही बात मुनि सुब्रत तीर्थ पर भी आचार्य श्री ने कहा है कि भावी योजना है, वहां पर भी एक कार चल रहा है। तो आप लोग दान तो देते हैं लेकिन दान ऐसी जगह दे जहां पर जरूरत है। निश्चित रूप से गुरुओं का आशीर्वाद जिनको प्राप्त होता है उनकी जीवन लीला अलग ही बदल जाती है। बता रहे थे कि आचार्य देशभूषण जी महाराज जो एक सदी के महान संत हुए हैं, जिन्होंने आचार्य शांति सागर जी महाराज दक्षिण वालों की परंपरा में दीक्षा लेकर अपनी परंपरा को आगे बढ़ाया, उनके अनेक शिष्य हुए, उनके शिष्य हम रौनक कर रहे हैं और देशभूषण में भी भूषण था और उसके बाद में यहाँ पर उनके बाद में आशीर्वाद की छाया पड़ी जिनके नाम में विभूषण था, विद्याभूषण आचार्य सन्मति सागर जी महाराज की। देशभूषण जी का भूषण चला गया तो विद्याभूषण जी का भूषण लग गया और सारा का सारा काम उनकी छत्र साया लगातार आप लोगों पर पड़ी और जब तक वह रहे, जब तक उनकी आशीर्वाद आपको सामने मिला और उनके जाने के बाद में उन्होंने माता जी को आपको सौंप दिया कि मेरी कमी को देशभूषण माता जी पूरा करेंगी। और कल पंडित जी और हम लोग शाम को चर्चा कर रहे थे, चर्चा चल रही थी कि जब कोई साधु की समाधि होता है होती है तो किसी ना किसी को, चूंकि पुरुष प्रधान देश है तो जब किसी ना किसी मुनि को वारिस के रूप में मना दिया जाता है कि उनके उत्तराधिकारी ये हैं, लेकिन उनके सन्मति सागर जी महाराज के जाने के बाद मुनि रूप में कौन बना नहीं मालूम, लेकिन आरिका माता जी के रूप में देशभूषण माता जी हैं जिन्होंने पूरे त्रिलोक तीर्थ को संभाल रखा है, सारी प्रभावना छोड़ दी, लोग प्रभावनाओं के लिए तीर्थों को छोड़कर शहरों में जाते हैं, वहां जाते हैं। मुझे लगता नहीं कि महाराज की समाधि के बाद में इन्होंने कहीं और चतुर्वास किए हैं, सारा जीवन एक प्रकार से अपने गुरु की भावना को पूर्ण करने में लगा दिया। ये सीख लेने वाली बात है साधु संतों को भी और गृहस्थों को भी, ये एक साधु अपने पूरे जीवन को गुरु की आज्ञा को पालन करने में लगा देता है और हम लोग गुरु की छोटी सी आज्ञा पालन भी नहीं कर पाते। यदि मैं बुला दूं कि आओ गर्मी का समय है आहार देने आता है, इंसान कहता है महाराज जी चौका दूर है, नंगे पैर चलूंगा पैर जल जाएंगे। आप इन संतों को देखो कि आपके एक बुलावे पे सारी गर्मी में यहां से वहां चार बार जाते हैं, एक समय भोजन आहार लेना है उसका भी टाइम भी टाइम है, पता नहीं कब होगा और होगा भी कि नहीं नहीं होगा, लेकिन सारा काम संपन्न करते हैं। तो यह माता जी पहुंचे और सारे के सारे काम को निश्चित रूप से यहाँ की कमेटी और कमेटी के साथ में, कमेटी है लेकिन कमेटी भी अधूरी है, कहते ना कि वह घर घर नहीं है जहां पर नारी शक्ति ना हो और वह मंदिर मंदिर कमेटी नहीं है जहां पर महिला मंडल सशक्त ना हो। यहाँ की महिला मंडल जो है, अनिता जी हैं, संगीता जी हैं, ऋतु जी हैं, आदि आदि जो लोग हैं, सुनीता जी आदि आदि लोग हैं, सभी लोग सखी महिला मंडल, आप देखिए लगभग 10 महिलाओं से चालू हुआ था और आज जितनी प्रतिमा मंदिर में 80 भगवान विराजमान होने वाले हैं, 80 की कगार पर पहुंचने वाले हैं कि कुछ दिनों में इनका पूरा भरा पूरा महिला मंडल है और उसके बिना सारा काम, सबसे बड़ा काम तो उनका ही होता है, महाराज को लाने का काम तो कर देते हैं लेकिन आहार कौन कराएगा, आहार की व्यवस्था है, पूजा की व्यवस्था है। इसलिए तो मैं हमेशा कहता हूं कि मंदिर में अभिषेक करने वाले कम और देखने वाली महिलाएं ज्यादा, और यही पंडाल में देख लो ना गिन चुन के दिख रहा है, कोई लाल कपड़े में, कोई नारंगी में, कोई पीले में, कोई सफेद में है, लेकिन महिलाएं सारे रंगों के कलर में यहाँ पर बैठी हुई हैं और धर्म लाभ ले रही हैं, क्योंकि समोषण में भी क्या होता है आरिकाएं और श्रविकाएं ज्यादा होती हैं, ध्यान रखो। तो यहाँ पर निश्चित रूप से उन्होंने काम किया और इन सब के महाराज आ जाएंगे, माता जी आ जाएंगे, आप आ जाओगे, लेकिन यदि ये सब कुछ करने के बाद में सूत्रधार के रूप में यदि प्रतिष्ठाचार वर्ग नहीं पहुंचेंगे तो निश्चित रूप से चलना कि सारा काम रुक जाएगा। तो इन्होंने तुरंत, वैसे तो हमारी सारी प्रतिष्ठाएं आप जानते हो सतीश जी करते हैं, हम बता रहे थे कि माता जी को जितने दीक्षा लेके साल हो गए उतने मेरी उम्र नहीं है, मैं समझता हूँ देश के एकदम युवा प्रतिष्ठाचार जिनकी उम्र मात्र 32-33 साल की है, लेकिन इन 32-33 साल में ये उनका 66वें नंबर का पंचांग सेल्फ है कि 66 पंचांग उन्होंने सेल्फ कर लिए और उसके बाद में 100 से अधिक पंचांग सहयोगियों के साथ में रहे, हमारे साथ ही लगभग 20-22-25 तो हमारे साथ ही कर दिए होंगे। तो वो पहुंचे और सरलता सारा काम किया, साथ ही साथ में जो हमारे आचार्य श्रीमती सागर जी के प्रयाग से हैं, ब्रह्मचारी जी हैं, नवीन भैया जी,
नवीन नाम है, नवीन कार्य करते भी हैं और सारा का सारा काम करते हैं। प्रदेश शहर की भूमिका में भी उन्होंने पूरा का पूरा विधिवत सारा काम देखा सीखा और नम्रता से क्या किया, यहाँ की व्यवस्था भी संभाली और साधु संतों की सेवा की व्यवस्था भी संभाली। ये संस्कार गुरुओं के होते हैं। आपको बताऊं 2006 में हम लोग गोमटेश्वर बाहुबली में थे, उस समय ज़्यादा लोग हमें जानते नहीं थे, दीक्षा को 6 साल हुए थे और उस समय ज़्यादा मीडिया भी सक्रिय था नहीं। संग बैठा था, पहुँच तो बाहुबली गए, अब बाहुबली से बिहार कैसे हो, तीर्थ क्षेत्र है, सारी की सारी व्यवस्थाएं हैं, तो वहाँ पर कुछ बात चल रही थी कि सामान कम है, ये है वो है। भैया जी आए साथ में, जो भी परिवारजन थे, उन्होंने मुझसे बोला महाराज जी क्या समस्या हो रही है, हम लोग कुछ नहीं देख रहे हैं, कुछ समस्याएं संघ में चल रही थी, कुछ व्यवस्थाएं नहीं थी। तुरंत इन्होंने उस व्यवस्था को बनाया और संघ की बिहार भूमिका निभाई थी। 2006 से मतलब हमारे रिश्ता है, जानकारी है और ये संस्कार गुरुओं के हैं, क्योंकि जो गुरु के संघ में रहता है तो प्रतिष्ठाचार तो हैं लेकिन गुरु भक्त भी हैं। साथ ही साथ में हमारे संदीप पंडित जी दौंड वाले महाराष्ट्र से आए हुए हैं। संयोग की बात है कि शीतलनाथ भगवान का मोक्ष महोत्सव मना रहे और आज उनका जन्मदिन भी है। निश्चित रूप से ये भी शुभ संयोग है कि उनके जन्मदिन भी आज भगवान के मोक्ष प्यारा अपनी पूरी क्रियाओं को जब भी आदेश करते सर आते हैं। और साथ साथ में आलोक जी थोड़े व्यस्त थे, बीच समय में आए, जब आए तो मैंने तो उनको देखा लेकिन माता जी नवीन जी बोले ये तो बड़े गाँव से आया है, बड़े गांव में रहकर शिक्षा प्राप्त करी है, शिक्षा अध्ययन लोगों को कराया है और सारे के सारे पहुंचे संगीतकार एंड पार्टी बिक्की जी, संजय सजन जी और सारे के सारे लोग यहां पर सारा का सारा काम संपन्न करने का प्रयास कर रहे हैं। और निश्चित रूप से एक बार दोनों हाथ को उठाइए आप लोग, ताली बजाओ जोर से, ताली बजाओ जोर से और जोर से, अच्छा जोर से बजाओ ना। हाँ ये ताली आप बजा रहे हो आप सब अपने लिए, इतने शांतिपूर्वक ढंग से आपने पंचना प्रतिष्ठा महोत्सव को शानंद संपन्न करने का प्रयास किया, ये ताली आपके लिए बजवाई है। यदि आप सब इतनी शांति से नहीं बैठते तो ये कार्य भी संपन्न नहीं हो सकते। और चलते चलते एक बात बताऊं कि इन सब व्यवस्थाओं में सारी समाज लगी है लेकिन जो विवेकानंदपुरी की जो युवा है, अहिंसा पद यात्रा संघ है, जिसके दीपक जी, अनिल जी, राजेश जी आदि सभी कार्यकर्ता जो हैं, इन सब ने सुंदर से आपके भोजन की व्यवस्था संभाली कि हम लोग यहाँ पर कार्य कर रहे हैं लेकिन वहाँ भी व्यवस्था तो कहिए, आप भजन करो, भोजन की व्यवस्था उन्होंने संभाल रखी है। तो निश्चित रूप से उन्होंने सारे काम को संपन्न किया और मैं तो प्रभु से यही प्रार्थना करता हूँ कि हे भगवान, आज हम सभी आपके सामने काल्पनिक समोषण में बैठे हैं लेकिन जब भी कभी भविष्य में तीर्थंकर का समोषण लगे तो उस समय हम सब जीवों को भी उसमें बैठने का अवसर प्राप्त हो तो हमारी प्रतिष्ठा, हमारा कल्याण सफल हो जाएगा। तो निश्चित रूप से यहाँ पर एक चावल के दाने से लेकर मंदिर में प्रतिमाओं विराजमान करने तक प्रत्येक व्यक्ति पुण्य का अधिकारी है। और निश्चित रूप से यह जो कार्य संपन्न हुआ है चिंतामणि पारसनाथ भगवान कृष्ण वाले बाबा और गुरुदेव आचार्य सिद्धांत सागर जी महाराज की आशीष अनुकंपा है कि सारे के सारे काम आप संपन्न कर पाए। नहीं तो कल कहाँ लग रहा था मौसम में कि भगवान का आहार सूखे में हो पाएगा, समोषण कहाँ लग पाएगा और भगवान के मोक्ष लग में बारिश होगी तो क्या होगा, लेकिन भगवान ने सारे रंग इस पंचलग में दिखा दिए, बादल भी दिखा दिए, बारिश भी दिखा दिए और पुनश्च धूप में लाकर आपको खड़ा कर दिया। ये आपकी भक्ति, गुरुओं का आशीर्वाद, भगवान का आशीर्वाद ही तो है। तो भगवान नरसिंह नारायण की यात्रा को प्रारंभ कर चुके हैं। सभी जीव ने जो हमारे सोदर में हैं, कुबेर हैं, यज्ञनायक हैं, ईशान हैं, सनत कुमार हैं, महेंद्र हैं, आरदाता हैं, ब्रह्म रोहतल्लान तब काविश्चादी आदि सारे के सारे लोग हैं, इन सब ने काम किया। लेकिन फिर भी मैं कहूँगा यदि पूरे समाज का सूत्रधार के रूप में यदि कोई संचालन करते हैं तो हमारे जिन मंदिर के प्रधान श्रीमान सुंदर लाल जी करते हैं, यदि ये ना हो तो आधे काम ना हो पाए। और सुंदर लाल जी के साथ में कहते ना सुर है लेकिन ताल नहीं है, बिक्की जी गा रहे हैं लेकिन नित्य नहीं है तो सारा काम रुक जाता है। तो सुंदर लाल जी के साथ में हमारे महामंत्री जी डी के जैन जी हमेशा सुंदर लाल जी के साथ साथ पूरी समाज खड़ी है, लेकिन मैं देखता हूँ ना कि सुरताल है, घड़ी में सेल नहीं है तो कांटे बेकार हैं। उसी प्रकार से सुंदर लाल जी साथ डी के जी नहीं है तो कई काम रुक जाया करते हैं। तो सारी समाज निश्चित रूप से, बुआओं ने भी बहुत अच्छा काम किया, बुआ सारी मेरी तरफ देख रही, हम भी तो कुछ बने, बुआ ने सौभाग्यवती सबने काम किया है, सबने सारा का सारा काम संपन्न किया है। और मैं तो पुनश्च यही बात करता हूँ, सभी को साधुवाद देता हूँ कि आप सभी लोगों ने इतने अच्छे तरीके से कल्याणक को मनाया। और एक संकल्प ये जरूर करना कि आज शीतलनाथ भगवान को विराजमान कर दिया, उसके पहले 24 ही विराजमान थे, रीम विराजमान था, नीचे आदिनाथ भगवान, नेमिनाथ, पारसनाथ भगवान थे। सौदर्मिंद्र कल मुझसे पूछ रहे थे, बोले एक प्रश्न रह गया था महाराज जी, मैंने पूछा कौन सा, बोले मैंने ऐसा कौन सा पुण्य किया जो मुझे सौदर्मिंद्र बनने का अवसर लाभ किया। तो मैंने उनसे कहा कि पिछले बार तुमने नेमिनाथ भगवान की प्रतिमा विराजमान करी थी तो उसका पुण्य भी तो खाते में आता है, तो इस बार तुम क्या हुआ सौदर्मिंद्र बन गए।
तो बोले अब सोदम से माता पिता बनूंगा। मैंने कहा ऐसा नहीं है, सोदम से दोबारा सोदम बनता है और सब बन सकता है, ऐसा नहीं है। माता पिता तो बनो, पुण्य का अवसर है, तो ये लीजिए। और ये सब देखिए, ये जो पात्र बने ना, ये पात्र बनाने में हमने सिर्फ एक बात रखी थी कि पात्र बनना चाहिए आपके नगर के लोग, आपके शहर के लोग, आपके शैली के लोग। तो क्या हुआ, जैसे ही नगर के लोग पात्र बनने की बात आई, सोधर्म इंद्र के जब सोधर्म में बनना था, हम लोग बात चल रही थी, ये मेरे बिहार में वहाँ से बैंक कॉलोनी से आ रहे थे, जब समीर जी के घर पर जा रहे थे, ऐसी बात चली, आरती हुई, मैंने ममता जी को देखा, मैंने कहा सोधर्म इंद्र तुम्हें बनना है, बोले महाराज जी नहीं होगा, नहीं होगा बोले। हमने कहा बोल दिया और तुरंत वहीं पर उनकी घोषणा हुई और पुण्य का अवसर है, कुबेर जी बन गए, यज्ञनायिका जी बन, यज्ञनायिका जी का मुझे पता है, वैसे चल रहा था बात लाभ की बनेंगे नहीं बनेंगे, लेकिन सबके सब बन जाते हैं, सारा का साम हो जाता है। तो पांचों मेरु स्थापना करता, और सबसे बड़ी बात, इन मेरु को विराजमान करने में मेरु विराजमान हो जाते, सारे के सारे काम को संपन्न कर जाते, सारे के सारे सारी की चीज़ें हो जाती। लेकिन मेरु विराजमान करने में यदि बेदी का योगदान नहीं होता तो मेरू भी कहां पर विराजमान होते, तो भाई और तीनों भाइयों ने मिलकर अपनी इच्छा पूर्ण नहीं करी है, इन्होंने जो अपने पिताजी की इच्छा थी उसको पूर्ण करते हुए बेदी का निर्माण कराया है। और यह भी बहुत बड़ी बात है कि पिताजी के भाव को पूरा करना, उसे बेदी की जैसे घोषणा हुई 7 तारीख को, 3-4 आदमी आ गए थे तैयार, लेकिन उनको यह अवसर दिया। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं सौभाग्य कोहिनूर, श्री संजय जैन, श्रीमती ममता जैन, ग्रेटर कैलाश दिल्ली, श्री विजेंद्र जैन, श्रीमती निर्मल जैन गुरुग्राम, श्री राजीव जैन, श्रीमती मीनाक्षी जैन सिविल लाइंस दिल्ली, श्री राजन जैन, श्रीमती मोनिका जैन जनकपुरी दिल्ली, श्री अनिल जैन, श्रीमती मधु जैन परिवार पोलो रोड दिल्ली, श्री राजीव जैन, श्रीमती संजुला जैन परिवार गुरुग्राम,